देश के 19 राज्यों में हुए गांव कनेक्शन के सर्वे में जो आंकड़े सामने आए उसके अनुसार देश की 43.6% किसानों ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनको उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिल पा रही है। धान का रेट सरकार 1750 रुपए रखा है, लेकिन किसी भी किसान को ये मिल नहीं पाता है। इसमें सबसे अधिक जिम्मेवार सरकार है, सरकार खरीदारी नहीं कर पाती है तो किसानों की मजबूरी है कि जो मतलब जो बिचौली हैं या मार्केट में जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उनको किसान बेच देते हैं। तो कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं जो किसान बेचने के लिए मजबूर होता है, और हम लोगों का क्रय केंद्र खुलता है जाके फरवरी में, कागज पे खुलता है जनवरी में और शुरू होता है फरवरी में। इतने और किसानों के पास मतलब गोदाम नहीं कि अपना अनाज अपने यहाँ रख सके, इसलिए उनको मजबूर होकर बेचना पड़ता है। जब हम अपने बीज निकालते हैं, लॉकडाउन वहां निकालते हैं, तो इसका पहला ही प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि कीमत में इजाफा नहीं होता। अच्छा अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कीमत। किसान कुछ भी करता है, मेहनत मेहनत करके वो एक जगह पर जमा कर देता है, बीच बीच सब कुछ तैयार करके रख देता है, बाद में उसमें आता है गवर्नमेंट रेट लगाता है, वो उसको उसमें थोड़ा हाफ रेट लगा देता है, उसकी वजह से किसान को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। यही इसकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम। खेती में घाटा ही घाटा, पर दिन घाटा होता जा रहा है, इसलिए खेती करना बच्चे पसंद नहीं करते। आज के दौर में डीजल महंगा, उर्वरक महंगे, कीटनाशक महंगा और लेबर महंगी, ये इस महंगी की वजह से खेती में घाटा, इसलिए खेती करने से आसार है तो मजबूरी बस करनी पड़ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर किसानों को उनकी फसल की ही सही कीमत नहीं मिलेगी तो उनकी आमदनी में बढ़ोतरी कैसे होगी, और अगर फसल की सही कीमत नहीं मिलती है तो जो दावे हैं और जो कोशिशें की जा रही हैं किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, वे वास्तविक धरातल पर नहीं आ पाएंगी।